हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैंसिल पेटीएम क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कैंसिल करना होता है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पेटीएम का, और या फिर आपको शायद अननेसेसरी कॉल्स भी बहुत आती कि कब ले रहे हो कब ले रहे हो, इससे रिलेटेड। तो आज मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो भी बताऊंगा दोस्तों, आपको वही फॉलो करना है। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है जिससे आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आप पेटीएम से भी कैंसिल कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, पेटीएम पे आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उनको रिक्वेस्ट बताना है और कैंसिल करवा सकते हो। आप वहाँ से भी इजीली घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो कैंसिल। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताता हूँ कि फिज़िकली आप बैंक में, जहाँ भी आपका क्रेडिट कार्ड, जहाँ भी जो भी बैंक का है आपका, चाहे एक्सिस है या HDFC है या कोई भी SBI है, जो भी है, आपको वहाँ से वही बैंक में फिज़िकल आप जाके वहाँ पे फॉर्म भर के सबमिट करके वहाँ से भी कैंसिल करा सकते हो, वहाँ पे भी हो जाएगा। पहला मैंने आपको बताया कि पेटीएम के थ्रू आप करवा सकते हो ऐप पे से ऑनलाइन। दूसरा मैं आपको बताया कि आप बैंक, जहाँ आपका अकाउंट है वो बैंक में जाके इजीली वहाँ फॉर्म सबमिट करके, फॉर्म को भर के वो भी करके, वैसा करके भी आप कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बंद करा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा वहाँ से भी। और एक ऑप्शन मैं लास्ट आपको देने वाला हूँ दोस्तों, जीमेल का। जी हाँ दोस्तों, जिनको अगर ये दो ऑप्शन नहीं करना है यहाँ से कैंसिल, तो ऑप्शन में जो आपको देने वाला हूँ जीमेल का, वहाँ से भी आप कैंसिल करा पाओगे। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें, मतलब वहाँ पे भी रिक्वेस्ट आपको लिखना होता है, तो वहाँ से भी आप करा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ वाला भी अच्छा लगेगा। यहाँ से अगर जिसको नहीं करना है, वही एक बात ये भी मैं बता दूँ दोस्तों, हर जगह पे रिक्वेस्ट नहीं करना, वरना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी दोस्तों। एक ही जगह पे, तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए, वहीं में से एक ही जगह करना। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जीमेल में आपको क्या लिखना है और कैसे आपको सेंड करना है जो भी आपका बैंक में क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कैंसिल करवाना रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आपका जीमेल ओपन कर लेना है। जीमेल ओपन करने के बाद आपको कंपोज ईमेल पे क्लिक करना है दोस्तों। वहाँ पे फिर एक ऐसा फॉर्म खुलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी आपको डालना होता है और सेंड करना है जो भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन लिए हो आपने। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ डालोगे आपका नाम, जो भी आपका है नाम, नंबर आप डालना। उसके बाद नंबर दोस्तों वही होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए और रिलेवेंट नंबर होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, रिक्वेस्ट लिखना है, और जब भी आप ईमेल लिखते हो दोस्तों, मेक श्योर थोड़ा स्पेस देके अच्छे से लिखना, ताकि सामने वाले को समझ में आए और आपकी इसी तरीके से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। तो ये मैं बता दूँ, रिक्वेस्ट में आपको लिखना है प्लीज़ कैंसिल माई पेटीएम क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, और सब्जेक्ट में कैंसिल माई पेटीएम क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, ऐसा लिखना है और सेंड कर देना है। इससे भी आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कन्फ्यूजन लगता है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको समझा दूंगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही है, जल्द मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ दोस्तों। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।